आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेंसस की हम बात करेंगे। सेंसस अभी तक हो नहीं पाया है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस है देश के लिए, अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सेंसस को करवाना चाहिए। सेंसस कब होगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम बात करेंगे सेंसस की, सेंसस के इतिहास की, लेकिन उससे पहले UPSC का रिजल्ट है भैया, हमने भी रिजल्ट्स दिए, हम बहुत खुश हैं इस बात से कि जिंदल सर की गाइडेंस से टॉप 10 बच्चे निकले हैं। तो जिंदल सर हमारी कोर फैकल्टी है, तो फटाक से आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रहार बैचेस लॉन्च्ड और PSIR भैया इशिता किशोर का ऑप्शनल PSIR था, PSIR ऑप्शनल भी हमने बहुत ही कम दामों पर लॉन्च किया, तो फटाक से आ जाओ। तो एनुअल रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस की जब पब्लिश हुई तो उसमें यही था ना कि भारत की पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ हो जाएगी। और आपको बता दूं कि भले ही सेंसस, अब आप बोलेंगे सर ये तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, लेकिन आपको बता दूं कि सेंसस में भी कोई खास डिफरेंस दिखेगा नहीं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होगा, ठीक है, डेटा में। तो अभी हालांकि सेंसस हुआ नहीं है। अब वैसे तो सेंसस 2021 तक हो जाना चाहिए था, आपको पता है ना कि 1871 में सबसे पहले सेंसस हुआ था। लॉर्ड मेयो उस समय जो वाइसरॉय था, उसने सेंसस जो है बोला कि भाई सेंसस करवाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी क्या हुआ, पिछले साल आ गया कोविड, सब बढ़िया चल रहा था, अच्छा चल रहा था, इस बार तो सेंसस डिजिटल फॉर्म में होने वाला था, लेकिन कोविड आ गया। चलो 2019 में कोविड की लहर आई, सोचा ठीक हो जाएगी, बट 2020 में जो सेकेंड लहर है उसने तबाही मचा दी, और उसके बाद सेंसस का कोई अता पता ही नहीं है कि सेंसस कब आने वाला है। यह बोला गया कि अभी जुलाई में होगा, मतलब पिछले साल जुलाई में नहीं हुआ। अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अगले साल फरवरी में सेंसस जो है वो किया जाएगा, कंडक्ट करवाना शुरू होगा। रिजल्ट आते आते तो टाइम भी लग जाएगा, 3-4 महीने लग ही जाते हैं, ठीक है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, पैंडेमिक खत्म हो गया है, नॉर्मलसी आ गई है कि कब सेंसस होगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सेंसस क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नहीं पता लगाना है कि आपके एरिया में कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने घर हैं, कितनी जमीनें हैं। सेंसस हर एक चीज की जानकारी दे देता है, पर ऋग्वेद बोलता है, ऋग्वेद जो है जो अर्लीस्ट लिटरेचर है वही बताता है कि पॉपुलेशन काउंट को मेंटेन किया जाता था। कौटिल्य जो है भाई अर्थशास्त्र में, कौटिल्य बहुत अच्छे से इसका वर्णन देते हैं, मौर्य साम्राज्य में तो प्रॉपर सेंसस होता था, अकबर तो अपनी पॉलिसी ही सेंसस के उस पर बनाता था सारा। जब ब्रिटिशर आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सेंसस करवाओ, सेंसस इन द सेंस की सेंसस, देखिए सेंसस उस समय तो ये शब्द यूज नहीं हुआ था, लेकिन उस समय ये था कि पहले देखो जमीनें कितनी हैं, सबसे पहले जमीनें लेके आओ, उनका काउंट लेके आओ। तो ये डेटा हमारे पास होता है, और जब डेटा आपके पास होगा तो तभी तो आप अपनी पॉलिसी बना पाओगे, वरना कैसे बना पाओगे। तो हमारा जो पहला सेंसस है वो वाइसरॉय लॉर्ड, मतलब फिर लॉर्ड मेयो ने इसको कंडक्ट करवाया था, ठीक है, फर्स्ट सेंसस 1871 में, और ये 10 साल का साइकिल है। तो कंस्टिट्यूशनली मैंडेटरी है ये भारत में, आपको बता दूं ये संवैधानिक प्रावधान है कि आपको करवाना ही करवाना है और हर 10 साल में करवाना है। लेकिन आपको बता दूं कि अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है कि सेंसस कब होगा, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। 10 साल, जैसे हम लोग तो ये है ना कि 10-10 साल में होता है, ऑस्ट्रेलिया में 5 साल में होता है। सेंसस की कोई वो नहीं है, आप हर साल करवाओ सेंसस, और अच्छा बढ़िया है। भारत में अमूमन 10-10 साल में हो रहा है, और ये 1871, ये 150 सालों से पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमने सेंसस मिस किया है, सेंसस की डेडलाइन मिस की है। तो ये जो सेंसस एक्सरसाइज है सेंसस होगा, लेकिन कब कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। तो भाई सरकार इसका ये दे सकती है बिल्कुल इसका जवाब कि भाई देखो संविधान में तो लिखा ही नहीं है, हम सबको सबसे ऊपर संविधान को मानते, कहां लिखा है बताओ, हम करवाएंगे 2025 में करवा लेंगे, क्या कर लोगे। लेकिन एक है ना कि साइकिल 10-10 साल की होती है, ठीक है। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948 लीगल फ्रेमवर्क देता है कि सेंसस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन टाइमिंग की बात ये नहीं करता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें जरूरी नहीं है कि हर कंपनी जो मतलब हर देश जो है वो 10-10 साल में ही करवाए, ये डिपेंड करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया 5 साल में करवाता है, कुछ देश जो है वो 15-15 साल में करवाते हैं, कुछ 8 साल में करवाते हैं, वो डिपेंड करता है कि भैया उनका जो है वो सरकारी ढांचा कैसा है, उनका देश कैसा है। हमारे यहाँ 10-10 साल में, और मुझे लगता है कि वो ठीक भी है, क्योंकि 10 साल में आपको एक प्रॉपर आंकड़ा, एक दशक बाद एक प्रॉपर आंकड़ा आपको मिल जाता है कि हाँ ठीक है पॉपुलेशन इतनी से इतनी हुई, और अब क्या क्या हमको करने की जरूरत है, कौन सेंसस कंडक्ट करवाता है,
यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है वो सेंसस को कंडक्ट करवाती है। इंपॉर्टेंट जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पता चल जाता है कि कहां पे कितने लोग आए हैं, कहां की कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि आपके घर घर जाके सारी जानकारी लेते हैं कि भैया आप कौन हो, कहां से आए हो, घर कितना पुराना है, आप कितने पुराने हो, घर में कितने लोग हैं, शादी हो गई है नहीं हो गई है। आपने मालामाल वीकली देखी है, उसमें वो जाता है सेंसस करने, याद है परेश रावल की क्या उसमें एक्टिंग है, जबरदस्त मूवी है, कहता है कि भैया आपके बच्चे कितने हैं, कहते हैं कि दो, कहता आपकी शादी हो गई, अम्मा आती है चटाक खींच के, फिर दूसरे घर जाता है, कहता है कि आपकी शादी होगी, कहता है हाँ, कहता है कि तो आपके बच्चे कुछ ऐसे ही बोलता है कि आपकी शादी होगी, कुछ ऐसा था मैं भूल गया हूं, लेकिन तो सेंसस को लेके काफी जोक भी ऐसे वैसे, तो अब तो मीम मार्केट में काफी ज्यादा जो है वो सेंसस की लहर आई हुई है। तो ये जो डेटा है, ठीक है, तो ये डेटा ही इज द न्यू ऑयल। आपके पास डेटा है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और डेटा से पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है यार। आप पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे सेंसस, वैसे अब तो मेरे ख्याल में इस पर तो सबसे पहले काम होना चाहिए, बट पॉलिटिकल पार्टी की उनको पता चलता है कहां पे कितनी पॉपुलेशन है, और उससे आप डेलिमिटेशन ले आओ, ठीक है, मतलब सीट्स कहां पे बढ़ानी है घटानी है, कहां पे कितनी कितने लोग, उस हिसाब से हमको कहां पे कैंपेन करनी है, हमारा वोट बैंक इधर है। तो यहां पे पॉलिटिक्स हर किसी को फायदा है। फिर उसके बाद देखिए, ये जो साल है, दशक है, ये सेंचुरी जो है वो है क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। 2030 तक आपको पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे हैं। अभी तक तो हम बहुत बुरी जगह जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हमको बर्बाद कर रहा है, पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है, और बहुत मुश्किल है हमारा सरवाइव करना। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि देख रहे हैं ना कि हर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट आती रहती है कि कितना ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है। तो फिलहाल तो 2030 तक हमको कोई उम्मीद इतनी कोई खास नजर आ नहीं रही है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हमको दिख रही है। तो सेंसस जो है वो आपको एक डेटा दे देता है अच्छे से, ठीक है, हर एक एरिया का जो है वो डेटा दे देता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, प्लानिंग, मैनेजमेंट, पॉलिसी मेकिंग, हर प्रोग्राम जो है वो सरकार जो है वो इस हिसाब से बनाती है, और फिर रिप्रेजेंटेशन भी बताता है, ठीक है, ये चीज है। फाइनेंस कमीशन जो आपको पता ही ना कि भैया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है बॉर्डर एरिया, वहां की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें जो है फाइनेंस कमीशन इसी हिसाब से पैसे बांटता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, फाइनेंस कमीशन का काम यही होता है ना कि पैसे बांटना, ठीक है, सबको पैसे देते रहो, राज्य को कितना जाना है, टैक्स कितना किसको मिलना है, कितना किसको, तो ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स बताओ कितने साल पे फाइनेंस कमीशन जो है वो गठित की जाती है, ठीक है। तो इफेक्टिव टारगेटिंग, बेटर डिलीवरी, सब कुछ, क्योंकि आपको पूरा डेटा मिल जाता है, और डेटा ही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसी आप स्कीम बनाओगे और किन किन के लिए स्कीम बनाओगे, लेकिन सेंसस हो नहीं रहा है। शेड्यूल की बात करें तो दो स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो हाउस लिस्टिंग की, भाई कहां का घर है, कितने लोगों के घर है उसको, और उसके बाद फिर एक्चुअल पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, पहले घर घर, एक दो तीन चार इतने घर हो गए, फिर जाके उसके घर में जाके पूछो कितने बच्चे हैं, कितना परिवार कहां से आया है, ये सारी चीजें। तो ये जो है कि बेसिकली मिडिल ऑफ द ईयर यानी कि जून जुलाई के आसपास होती है। तो अभी तक यही नहीं हुआ, आपके घर में कोई सेंसस वाले आए, मेरे घर में तो नहीं आए। पिछली बार मेरे घर में सेंसस वाले आए थे तो मैंने उनको चैट डाला था, मैंने कहा सर बहुत भौकाल, फर्जी का भौकाल मार रहा था, 2011 की बात है, तो जस्ट मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था, ठीक है, तो मैं फर्जी का किया, अरे यार 2010 मेरा 12th हुआ, तो मैंने कहा कि सर बताइए चाइना की तो टू चाइल्ड पॉलिसी है, और वो भी सर वहां पे बैठ के मुझसे एक घंटे तक बात कर रहे हैं। फिर मेरी मम्मी बोली कि भैया हमको भी काम करना, तो काहे निकालो भैया इनको, कितना बात कर रहे हो। तो ये चीज है, तो उसमें क्या होता है कि ये सारी, और फिर हाँ, तो अब इंटरमीडिएट स्टेप्स भी हम ये देखते हैं कि लिए जाते हैं, प्रिपरेशन होती है काफी ज्यादा, और चार साल पहले से प्रिपरेशन होने लगती है, क्योंकि सेंसस एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, आपको कोने कोने में जाना है, ठीक है, और सारे सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। 2021 सेंसस में क्या हुआ था, जैसा कि हमने बताया कोविड आ गया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी, तो कोविड की वजह से सेंसस जो है वो हो नहीं पाया। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो अभी पिछले हफ्ते जो है सेंसस ऑफिशियल ने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रिलीज किया था कि 1981 से जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, और ये 150 साल हमारे जो है वो पूरे हो चुके हैं, तो ये ट्रीटाइज निकाला था, लेकिन इसमें भी ये नहीं था, ये सारी बातें थी, डिसरप्शन हो गए हैं, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, सेंसस होगा लेकिन कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अभी हमको नहीं पता है सेंसस कब करवाया जाएगा, कब आपके पास डेटा आएगा। देखिए मैं तो सेंसस का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस और बाकी पीसीएस एग्जाम में सेंसस से बहुत सवाल आते हैं, मतलब सेंसस ही पूरा छाप देते हैं, और वो डेटा होता है रट्टाफिकेशन होता है। तो एस्पायरेंट तो बोल रहे हैं भैया सेंसस देरी में आओ, हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये शानदार प्रहार बैच आपके लिए वेट कर रहा है, और हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। कल यूपीएससी प्रीलिम्स है, जैसे ही प्रीलिम्स ओवर होगा
हमें आपके लिए आंसर एनालिसिस जो है वो लेके आएंगे। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।